हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आईओ स्टैट, वीएम स्टैट और एमपी स्टैट कमांड के बारे में जानेंगे। ये नॉर्मली जो है सीपीयू, डिस आईओ, एनएफएस स्टैटिस्टिक्स, मेमोरी स्टैटिस्टिक्स, सीपीयू स्टैटिस्टिक्स वगैरह जानने के लिए कितना यूज़र परसेंटेज में आ रहा है रिपोर्ट में, कितना नाइस परसेंटेज है, कितना आईओ वेट है, कितना आइडल है, ये सब हम लोग इन कमांड्स की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने सार कमांड में देखा था, वैसे ये भी होता है आईओ स्टैट कमांड। अगर आप रन करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ही यहाँ पर भी हार्ड डिस्क है जो मैंने अटैच किया है। तो यहाँ पे केबी रीड पर सेकेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये केबी रिटर्न, केबी रीड, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। एवरेज सीपीयू यूसेज कितना है, ये सारा डिटेल आपको आ जाता है। अगर आप इसके और भी ऑप्शन देखना चाहेंगे तो हाइफन सी लगा सकते हैं, और एवरेज सीपीयू के वही इन्फॉर्मेशन थोड़ा डिटेल में आ जाता है यहाँ पर। आपको आपके कर्नल नेम वगैरह सब आ जाता है, मशीन नेम वगैरह। अगर आपको डिस आईओ स्टैटिस्टिक्स देखना है तो आप हाइफन डी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ डिस यूसेज यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर सीपीयू यूसेज का कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, सिर्फ डिस यूसेज का अगर आपको चाहिए तो हाइफन डी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नेटवर्क यूसेज करना है, मेरे पास नेटवर्क के कोई डिटेल नहीं है अभी, मतलब यहाँ पे कुछ डिटेल शायद नहीं आएगा क्योंकि मैंने नेटवर्क अभी सेटअप नहीं किया है इसमें। तो अगर आपको आईओ डेटा जो है एमबी में चाहिए, एमबी पर सेकंड में, तो आप यहाँ पे एमबी पर सेकंड में भी देख सकते हैं हाइफन एम लगा के। तो ऐसे आईओ स्टैटिस्टिक्स, सीपीयू इंफॉर्मेशन, अगर आपको जो चाहिए होता है आईओ स्टैटिस्टिक्स कमांड से आप यूज़ कर सकते हैं, वरना सार कमांड भी काफ़ी यूज़फुल है उसकी का ये। अगर आपको ये आईओ स्टैटिस्टिक्स कमांड अगर रन कर रहे हैं तो सार यूटिलिटी आपकी इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर सार कमांड आपके सिस्टम में रन हो रहा है तो ये भी कमांड रन हो जाएंगे। अब दूसरा आता है कि एमपी स्टैट कमांड, तो ये प्रोसेस स्टैटिस्टिक्स के लिए होता है। इससे हम सीपीयू यूसेज और कितना ये बैलेंस है, तो ये सब हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये हम रन करके ही देखते हैं। एमपी स्टैट कमांड अगर आप देखेंगे तो ये सीपीयू का पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, नाइस यूसेज, आईओ वेट, सीपीयू और आइडल सब आपको दिखा देगा। आप आईफोन ये भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, जो यहाँ पे टाइम के साथ आ जाएगा। अगर आपको इंडिविजुअल अगर चाहिए आपको तो आप हाइफन पी लगा सकते हैं यहाँ पर, आप सारा डिटेल एक के बाद एक यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको कोर के हिसाब से भी चाहिए, मतलब यहाँ पे सबका नहीं चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर का, कोर नंबर ज़ीरो से शुरू होता है, तो कोर वन के लिए आपको ज़ीरो लगाना पड़ेगा। आपको सिर्फ वो कोर के बारे में, ये सारे कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही थी, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही थी। यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल कोर के लिए अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये कमांड होता है, ज़ीरो लगाना पड़ता है फर्स्ट कोर के लिए, और अगर आपको सेकेंड कोर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वन लगाना पड़ता है। तो एक और कमांड होता है वीएम स्टैट, जो क्या वर्चुअल मेमोरी स्टैटिस्टिक्स होता है। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो मेमोरी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। देखिए स्वैप मेमोरी कितना है, फ्री कितना है, बफर मेमोरी कितना है, कैशे कितना है, ये सारे डिटेल आपको पता चल जाएंगे। तो अगर आपको एक्टिव और इनएक्टिव मेमोरी अगर आपको प्रिंट करनी है तो भी आप वो ऊपर के कमांड से भी आ जाएगा, लेकिन अगर इंडिविजुअली अगर आपको टाइप करना है तो अगर आपके प्रोडक्शन में अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको अलग आउटपुट भी आ सकता है, क्योंकि मेरे सिस्टम में ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं किया इसलिए ज़्यादा आउटपुट नहीं दिखा रहा है। लेकिन वीएम स्टैट कमांड भी जो है मेमोरी यूसेज के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो ये इंफॉर्मेशन है आईओ स्टैट, वीएम स्टैट और एमपी स्टैट के लिए। अगर आप ये सिमिलर होता है सार के जैसे ही, अगर आप सार कमांड यूज़ कर रहे हैं तो ये मोस्टली इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये बता दिया है। थैंक यू सो मच।